तो दोस्तों आज हम आ रखे थे दुनागिनी मंदिर में, तो हमें प्रॉपर दुनागिरी मंदिर में हमें यहाँ पर पहाड़ी उत्पाद मिला है, शुद्ध पहाड़ी उत्पाद। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर घोत होत है और पीछे से अंकल जी भी है। मैंने अंकल जी को बुलाया, अंकल जी आप बाहर आओ, आप कहाँ छुपे यार। और अंकल जी से हम बहुत बार मिल चुके हैं, जब भी हम दुनागिरी आते हैं तो अंकल जी की दुकान में आते रहते हैं खाने के लिए। तो अंकल जी हमें आप अभी बताएंगे कि ये क्या क्या है करके, तो दो मिनट को बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है सारा पहाड़ी उत्पाद है, लोकल यहीं का दुनागिरी से, दुनागिरी के क्षेत्र से लिया गया है किसानों से। जैसे ये पहाड़ी राजमा होगी, राजमा भी अलग अलग प्रकार की है, भट हो गए, ये रैस हो गया और तिल, और ये तिल हो गया, ये मिक्स राजमा, इसको ऐसे बोया जाता है और ऐसे उगाया जाता है इसको। यहाँ पे ये काले भट हो गए, रैस हो गया, ये बहुत झूमर, इसकी खीर बड़ी टेस्टी होती है। और नीचे ये है पिनालू, ये है मोर, नींबू, दुनागिरी के माल्टा, ठीक है। बाकी ये अचार है जो सब यहीं पर तैयार किया जाता है, ठीक है। ये पहाड़ी शहद है शुद्ध, ये मडवे का आटा, मडवे का आटा, मूली का, मूली की बड़ी, कीवी का जूस, यहाँ पर ये सारे पहाड़ी उत्पाद मिलते हैं। तो दोस्तों आप दुकान में आके ये सब चीज ले सकते हैं और ये देख सकते हैं यहाँ पर है दुकान। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए केदारनाथ है और दोस्तों ये सारे हैंडक्राफ्ट है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और देखिए दोस्तों कितने ब्यूटीफुल चीज़ें बना रखी है। ये भी एक आर्ट है दोस्तों, जो हमें मतलब YouTube के माध्यम से भी सिखाते हैं। और अंकल जी बोल रहे हैं मुझे मैं दिखाना, तो इसलिए नहीं दिखा सकता हूँ, पर अंकल जी के अंदर जो है काफ़ी कला है जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने। मैं तो बहुत चक्का रह गया हूँ दोस्तों, इतने तगड़े चीज़ देखी, वो भी हाथ से बना रखा है दोस्तों।